हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन में एनआईटी पुदुचेरी की पीएचडी एडमिशंस की नोटिफिकेशन आई है। इन्होंने इनविटेशन इनवाइट किए हैं और जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। इसकी लास्ट डेट है 31 मई। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनकी वेबसाइट पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको लिंक बताती हूँ, nitpy.ac.in, ये इनकी वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन्स का यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, ये है टैब एडमिशन का, इस पर क्लिक करिए। इन्होंने न्यू लिखा भी है और पीएचडी न्यू पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जुलाई के सेशंस के लिए इन्होंने ब्रोशर्स दिए हैं और इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए ब्रोशर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने दिए हैं कि यहाँ पे पार्ट टाइम भी है आपका और फुल टाइम भी है, दोनों ही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर ओके, ये है आपका पीएचडी इन इंजीनियरिंग। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है एंड इकोनॉमिक्स है। रिसर्च एरियाज इन्होंने दिया है, डिपार्टमेंट्स दिया है और रिसर्च एरिया दिया है। डिपार्टमेंट्स मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंड उसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज। ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस भी है यहाँ पर, मैथमेटिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है। ये सारे इन्होंने डिपार्टमेंट्स दिए हैं। डिपार्टमेंट्स चेक कर लीजिए अगर आपका डिपार्टमेंट में है तो। उसके बाद आपको रिसर्च एरिया को चेक करना है कि आपका यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो ये आपका फुल टाइम के लिए है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर फेलोशिप भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, पार्ट टाइम के लिए भी इन्होंने डिपार्टमेंट दिए हैं कि पार्ट टाइम में कहाँ कहाँ है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है, ये भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। तो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम दोनों ही पीएचडी यहाँ पर है। फीस दी हुई है, फीस कितनी कितनी है ये भी यहाँ पर मेंशन है, ठीक। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी, लास्ट सेमेस्टर की फ़ी, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने दी है। तो ये फीस की डिटेल हो गई। फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, ठीक है। फेलोशिप 31,000 है पर मंथ, तो ये है आपका। एंड ये देखिए, ये है आपका फ़ी, जो अप्लीकेशन फ़ी है 1,000 है नॉन रिजर्व कैटेगरी के लिए, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 500 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। और ये इनकी सारी डिटेल्स है, अगर कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर क्वेरी के लिए मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिशन रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 31 मई है। तो ये है आपका सारा डिटेल। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ओके, तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो दूसरी लिंक है वो आपको इस पर जाना है। यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन अप्लीकेशन करना है, क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये इन्होंने सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, ये भी आपको यहाँ पर मेंशनड है, ठीक है। तो ये आपका डिटेल है, सारे कोड्स दिए हैं, ये कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, अप्लीकेशन में, ताकि ये पता चल सके कि आप कौन से सब्जेक्ट में, कौन से डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। आई होप ये नोटिफिकेशन आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।